मतलब एंटिटी 303 ने मेरे पे अपनी बीम मार दी थी, लेकिन सही टाइम पे तुम आ गए और शायद अब तुम ठीक हो गए। मे बी जिन इज नो मोर, बोर को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। होमांस भी तो था, होमांस का कुछ अता पता नहीं है, क्या तुम मेरे को होमांस के पास लेके जा सकते हो हीरो ब्राइन? एक्चुअली जिन इज नो मोर। क्या मजाक मत करो, क्या एंटिटी 303 अब बचेगा नहीं? ओके नहीं, हमने सब कुछ तो इस्तेमाल कर ही लिया है, और अगर किसी नए तरीके के बारे में हमको पता लगाना है तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा। हमें इस वर्ल्ड में उन दोनों को हमेशा के लिए ट्रैप करना होगा। अल्लू, मैं इस वर्ल्ड को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दूंगा। होमांस, तुम क्या सोचते हो इस बारे में? मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर करे तो करे क्या? खैर, मेरे को भी होमांस कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर करे तो करे क्या। तो हीरो ब्राइन, हमने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि हम अपने वर्ल्ड को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं। अब ये डिसीजन हमने इसलिए भी लिया है बिकॉज मान लो अगर हम किसी तरीके से इस बार कोई ना कोई और नया तरीका ढूंढ ले एंटिटी 303 और नल को हराने का, तो इसका क्या प्रूफ है कि आगे जाके हमारे इस वर्ल्ड में कोई भी दिक्कत नहीं होगी? क्या पता वो वापस फिर से आ जाए और फिर से हमारा पूरा का पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय कर दे, या फिर कोई दूसरा मोब आके हमारे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दे। बिकॉज नल और बूगी मैन के आने के बाद मेरे को इतना तो पता चल चुका है कि माइनक्राफ्ट के अंदर बहुत सारे पावरफुल मोब्स हैं जिनसे हम अभी तक नहीं मिले हैं। तो दैट्स व्हाई हमने डिसाइड करा है कि हम एक नए वर्ल्ड में जाकर सब कुछ फिर से स्टार्ट करेंगे। और तुमने मेरे को पहले भी कई बार बोला है कि तुम इस वर्ल्ड को छोड़ के चले जाओ तो कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज इस वर्ल्ड में ही कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो इसलिए हमने डिसाइड करा है कि अब हम नए वर्ल्ड में जाएंगे और वहां से सब कुछ स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। हाँ, इस वर्ल्ड के साथ हमारी कई यादें जुड़ी हैं, लेकिन क्या करें, अब ना चाहते हुए भी हमने ये डिसीजन लिया है। ओके ओके, आर यू श्योर? हाँ, हमने पक्का वाला डिसीजन ले लिया, बिकॉज तभी तो हमने इतना टाइम लिया था सोचने के लिए। तो चलो अब हमें ये बताओ कि हम अपना एक न्यू वर्ल्ड बनाएंगे तो उसके बाद हमें उसमें कैसा पैटर्न बनाना है तुम्हें उस वर्ल्ड में बुलाने के लिए, ठीक है? यू विल हैव टू मेक दिस पैटर्न। ओके ठीक है, तो मैं इसको याद कर लेता हूँ फटाफट। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ ठीक है ठीक है, मैं इसको अच्छे से याद कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लिया है, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है हीरो ब्रेन, मैं समझ गया कि हमें कैसा मैजिकल पैटर्न बनाना है एक न्यू वर्ल्ड में जाके। लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि अगर हम इस पैटर्न को बनाएंगे तो तुम बनाते ही आ जाओगे या फिर हमें पैटर्न बनाने के बाद कुछ और भी करना होगा? जैसे ही तुम इस मैजिकल पैटर्न को कंप्लीट करने वाला लास्ट ब्लॉक लगाओगे तभी मैं आ जाऊंगा। ओके मैं समझ गया, मतलब जैसे ही हम इस मैजिकल पैटर्न का लास्ट वाला ब्लॉक लगाएंगे तभी वो मैजिकल पैटर्न एक्टिवेट हो जाएगा और तुम आ जाओगे। ठीक है, तो अब हम समझ गए। होमांस, तुम भी समझ गए? हाँ मैं भी समझ गया। ठीक है, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अगर हल्की सी भी गलती हुई तो पता नहीं क्या होगा। ठीक है हीरो ब्राइन, तो अब हम चलते हैं और हमारे जाती तुम इस मैजिकल वर्ल्ड को लॉक कर देना, जिससे कि एंटिटी 303 और नल इस वर्ल्ड से ना निकल पाए। उनको ये वर्ल्ड चाहिए था ना, अब वो इसी में रहेंगे हमेशा के लिए और इससे कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। और तुम टेंशन मत लेना, हम नए वर्ल्ड को बनाने के बाद सबसे पहले ये मैजिकल पैटर्न ही बनाएंगे तुम्हें उस वर्ल्ड में बुलाने के लिए। होमांस, मैं सोचा था कि इस वर्ल्ड से निकलने से पहले क्या हम एक बार अपने इस वर्ल्ड को देख सकते हैं, बिकॉज अब तो हम कभी भी इस वर्ल्ड में नहीं आने वाले, तो चले एक लास्ट बार देखने। हाँ आप कह तो सही रहे हो, अपन अब इस वर्ल्ड में वापस कभी नहीं आने वाले, तो एक बार देख लेते हैं। चलो तो ठीक है, फिर आ जाओ मेरे पीछे। ठीक है हीरो ब्राइन, तो हम अपने इस वर्ल्ड को फटाफट देख के आते हैं और तुम हमारे साथ ही रहना। ठीक है आ जाओ होमांस, आ जाओ होमांस। अभी तो हमारे वर्ल्ड की हालत बुरी हो रखी है, लेकिन क्या तुम्हें याद है जब तुम और मैं फर्स्ट टाइम इस वर्ल्ड में मिले थे, हमने सबसे पहले ये सारी लैंड क्लियर करी थी, यहाँ पर दो बड़े बड़े पहाड़ थे, फिर हमने कैसल बनाया था। तुम्हें याद है हमें कैसल को बनाने में कितना ज्यादा टाइम लगा था? हाँ काफी टाइम लगा था, 14-15 दिन लग गए थे। हाँ क्योंकि हम एक एक दो दो घंटे आके डेली रात को खेलते थे, और तब हमारे पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं थे, तो हमें इतना टाइम लग गया था इस कैसल को बनाने में। हाँ उसके बाद में अपन ने और भी बड़ी चीजें बनाई और ट्रेडिंग हॉल बनाया। हाँ और उसके बाद फिर हमने अपना फर्स्ट वर्ल्ड बिगेस्ट फार्म बनाया था सुगर केन का, जो कि अभी यहाँ से रेंडर तो नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ वो हमारा फर्स्ट बिगेस्ट फार्म था। बहुत याद आएगी यार इस वर्ल्ड की। वो तो है। चलो तो फिर चलते हैं, इससे पहले अब एंटिटी 303 आए यहाँ पे, बिकॉज हीरो ब्राइन ने उसको अपनी लाइटनिंग की पावर से थोड़ी देर तक तो रोक के रख लिया था, तो अभी ये टाइम सही रहेगा निकलने के लिए, इससे पहले वो यहाँ पे आए और उनको कुछ शक हो जाए। ठीक है तो हीरो ब्राइन अब हम चलते हैं, जल्दी मिलते हैं हीरो ब्राइन। बाय, ध्यान रखना। चलो स्पॉन पॉइंट यहाँ पे और पानी पानी है सामने की तरफ। होमांस कैसा लग रहा है फिर नए वर्ल्ड में आके? काफी अच्छा लग रहा है, नई शुरुआत है, लेकिन पुराने वाले वर्ल्ड की तो याद आएगी। यार उसको तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता यार, वो तो हमेशा मेरे दिल में रहेगा। खैर तुमने तो भाई केप भी ले ली, सही है। कैसी है?
बढ़िया लग रही है और तुम्हारा नाम भी लिखा हुआ है होमांस एच। ठीक है होमांस, तो अभी का हमारा प्लान ये है कि हमें सबसे पहले इस वर्ल्ड में हम कुछ नहीं करने वाले, सबसे पहले हम हीरो ब्राइन को बुलाने के लिए मैजिकल पैटर्न बनाएंगे, ठीक है, और उसके बाद ही हम कुछ करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक टूल्स बना लेते हैं, पेड़ तो है ही आसपास, तो चलो फिर स्टार्ट हो जाओ। चलो ठीक है। ये बनाई मैंने क्राफ्टिंग टेबल, ये बनाई मैंने पिकैक्स और यहाँ से स्टोन मिल ही जाएंगे। चलो गाइस, ये बनाई मैंने स्टोन की पिकैक्स एक और यहाँ पे कोल भी है। इस नए वर्ल्ड में हमारी पहली रात, सो जमांस। अरे हम खाने के लिए होमांस इधर उधर घूम रहे हैं, यहाँ से मछली मारते हैं ना। हाँ ये भी सही है ना, मिल गया, आप आयरन का पिकैक्स बना सकते हो। ठीक है हम दोनों एक एक पिकैक्स बना लेते हैं। तो गाइस ये बनाई मैंने फर्स्ट आयरन की पिकैक्स। वहाँ पे शायद तक एक केव दिख रहा है मेरे को। मेरे को भी दिखी। क्या अभी हमें प्लेजर टावर पे जाके फाइट लेनी चाहिए? नहीं अभी अपने पास आयरन का आर्मर वगैरह नहीं है, अपन मर जाएंगे। हाँ और इतना डैमेज लेके हमें बदले में कुछ ज्यादा कुछ मिलेगा? केव में चलते हो तो सामान मिलेगा। अरे भयंकर, ये क्या है भाई, क्या ही मस्त केव मिली है ओमांस, आ जाओ इसको एक्सप्लोर करते हैं, इसमें तो हमें बहुत चीजें मिल जाएंगी। होमांस यहाँ पे डायमंड है, सामने क्रीपर है। अरे 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 भाई, डायमंड को तो कुछ नहीं हुआ ना? नहीं नहीं, तीन डायमंड थे पहले भी और अभी भी हैं। भाई ये क्रीपर कितने गलत टाइम पे आते हैं, अभी हमें रेडस्टोन की इतनी ज्यादा जरूरत है ना कि हम डायमंड से पहले रेडस्टोन ले रहे हैं। तो चलो होमांस मैं देखता हूँ कितने डायमंड है। ठीक है तीन तो दिख ही रहे हैं, 1 2 3, तीन ही थे। यहाँ पे और है, ओ ये रहे, एक और है, ठीक है 4, ओ एक और है 5, ठीक है एक और मिल जाता तो हम दोनों की डायमंड की पिकेक्स बन जाती। Much, much, much later. तो गाइस अभी के लिए हमको जितने रेडस्टोन ब्लॉक चाहिए थे उतने रेडस्टोन ब्लॉक हमारे पास हो चुके हैं। अब नेक्स्ट चीज चाहिए हमें सोल सैंड और ग्लोस्टोन, एंड साथ में हमने पीछे वाली लावा पीट की मदद से नेदर पोर्टल भी बना लिया है। तो फटाफट चलते हैं नेदर में, लेट्स गो। ओमान से पहले जाऊंगा मैं, ये ओमान से पहले आ गया। ओमान हिलना मत, ओह शिट यार, भाई अपने नसीब कितना बेकार है, कहां लावा के ऊपर स्पॉन किया है मैं। सोल सैंड पास में है। अरे हाँ सोल सैंड पास में ही है, चलो चलो चलो। हमारी सारी चीजें होगी ना हमारे पास? हाँ अपने पास सब कुछ है, अब अपन चल सकते हैं। रेड स्टोन ब्लॉक भी हो गया हमारे पास, एंड हमारे पास सोल सैंड भी हो गया, और टॉर्चेस वगैरह बनाने के लिए कोल भी है, और वुड तो हम ले ही लेंगे, एंड यहाँ से हमने ग्लो स्टोन भी ले लिया। हाँ सब कुछ डन हो गया, चलो चलते हैं फटाफट। चलते हैं। ठीक है होमांस, मैं तो बोल रहा हूँ यहाँ से सीधा बाहर निकलते हैं। तो होमांस चलो बाहर आ चुके हैं, अब सबसे पहले हमने लैंड तो क्लियर कर ही लिया है, और चलो अब पैटर्न बनाना स्टार्ट करते हैं फटाफट। और ध्यान रहे हमसे एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अगर एक भी गलती हुई तो कुछ भी हो सकता है। हाँ हाँ ध्यान से बनाते हैं, चलो। अरे क्रीपर कहाँ से आया होमांस, दूर हटो दूर हटो, भाई कहाँ से आया, अभी दिन में कहाँ से आ गई है? ये पैटर्न को शुरू करते ही ऐसी चीजें होने लग गई अपने साथ। भाई भाई दिन में पता नहीं कहाँ से आ गया, शिट। चलो होमांस कोई नहीं, हम सावधान रहेंगे, ठीक है अलर्ट रहना बिल्कुल। होमांस वेदर खराब हो गया, भाई आखिर ये चल क्या रहा है? ये इस पैटर्न के कारण ही हो रहा है मेरे ख्याल से। हाँ लेकिन हम अपना काम नहीं रोकेंगे, ठीक है। पीछे क्रीपर आ रहा है, पीछे क्रीपर आ रहा है। भाई आखिर ये आ कहाँ से रहे हैं ये बार बार? अच्छा हमने सही टाइम पे देख लिया, वरना ये टूट जाता। भाई ऐसी चीजें हो रही हैं कि हम ये पैटर्न बना ही नहीं पा रहे, ये सारी चीजें हमें पैटर्न बनाने से रोक रही हैं। हमारे चलो सो के वेदर क्लियर करते हैं, बिकॉज बारिश होगी तब तक हम आग नहीं जला सकते। शिट यार ये क्रीपर आ कहाँ से रहे हैं यार? हमारे ध्यान से रहना, ठीक है उधर से भी आ रहा है एक। मैंने सेंटर वाले में भी आग लगा दी है, अब हम जैसे इन दोनों ब्लॉक्स पे आग लगाएंगे तभी ये पूरा का पूरा पोर्टल एक्टिवेट हो जाएगा और हीरो ब्राइन यहाँ पे आ जाएगा। मैं तो उससे मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और तुम? मैं भी एक्साइटेड हूँ। ठीक है तो अब बिना किसी देरी के चलो इसको एक्टिवेट करते हैं। तो मैं 3 2 1 बोलूंगा और फिर साथ में इनको एक्टिवेट करेंगे, ठीक है? ठीक है चलो 3 2 1। ओ लाइटनिंग हो रही है ओमांस, देखो भाई वेदर भी खराब हो गया। शिट ये हो क्या रहा है, लगता है हीरो ब्राइन आ रहा है। वो हीरो ब्राइन आए क्यों नहीं अभी तक? ओ होमांस देखो हीरो ब्राइन। लेकिन एक मिनट, ये दोनों कौन है अब?